जैन में महाकाल की सवारी पर थूकना कुछ लोगों को पड़ा बहुत ही भारी। एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान तीन लोगों ने इसे खराब करने की कोशिश की। तभी एक व्यक्ति जो पहले से ही झांकी की वीडियो बना रहा था, उसने इनकी इस घिनौनी हरकत की भी रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इसका विरोध किया। फिर पुलिस ने इनको पहचान कर इनके घर से उठाया, फिर थाने लाई। इनमें दो नाबालिग है और एक बालक, जिसमें दो सगे भाई ही है। इसके बाद इनके घर पर भारी पुलिस की बड़ी टीम भी तैनात कर दी गई और फिर इन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। कुछ लोग ये सोचेंगे कि इन अपराधियों ने महाकाल की सवारी पर थूका, इसलिए इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। थूकने की सजा तो कानून तबीयत से इनको देगी, लेकिन जांच में पता चला कि इन लोगों ने जो हिस्सा अवैध तरीके से बनाया था, सिर्फ वो हिस्से को ही तोड़ा जा रहा है। मतलब ये अतिक्रमण की कार्रवाई है और ढोल नगाड़ा इसलिए बजाया गया क्योंकि नियमों में ये लिखा है कि जब भी कोई अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है, उससे पहले मुनादी यानी कि विधिवत ढोल बजाकर उनके नाम और उनके किए गए काम की घोषणा की जाती है, इसलिए ऐसा किया गया। इससे हमारा मानना तो यही है कि कोई इतनी बड़ी हिम्मत और नफरत करने की सोच भी कैसे सकता है। इसके लिए हम अपने बच्चों को अपने घर में ही पहले सही शिक्षा दें, ताकि गुनाहगारों की भीड़ में हमारे घर के बच्चे ना खड़े हों। आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताएं, और ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।